प्रिय छात्रों, आज मैं एक बार फिर से लेकर उपस्थित हूँ कक्षा 12वीं के हिंदी के पद्य खंड में संकलित बापू के प्रति नामक पाठ के अंतिम पद्यांश को, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो प्रारंभ करते हैं। कारा थे संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जनजीवक भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। तो प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा किए गए महान कार्यों का जो है उल्लेख किया गया है। तो कविपन जी कहते हैं कि हे बापू, कारा थी संस्कृत विगत भित्ति बहु धर्म जातिगत रूप नाम। हे बापू, भारतीय संस्कृति जो है विगत कई वर्षों से जो है परतंत्र थी, यानी कारा यानी परतंत्र थी अर्थात कैद थी। यहाँ के लोग जो है धर्म जात अर्थ शिक्षा रूप ख्यात आदि बहुत से बंधनों में जकड़े हुए थे। बंदी जनजीवन भू विभक्त विमूढ़ विज्ञान मूढ़ जन प्रकृत काम, यहाँ अर्थात यहाँ का सामान्य जनजीवन जो था वह कैद था। यहाँ पर धरती जो है क्षेत्रीयता भाषावाद जैसे कई आधारों पर बटी हुई थी और विज्ञान मूढ़ जन प्रकृत काम और विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग जो है अविवेक हो प्रकृति का उपभोग अपनी इच्छा के अनुरूप जो है करना चाहते थे। आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़बंधन सत्य राम नानृतम जेत सत्यम मा भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। तो किंतु लंबे समय से गुलामी का दंश झेलने वाले भारतीयों के लिए जो है उद्धारक अर्थात बंधन मुक्त करने वाले आए तुम मुक्त पुरुष कहने बनकर आने वाले हे बापू, तुमने जन जन में यह संदेश भी फैलाया कि मिथ्या जड़बंधन सत्यराम फैलाया कि सांसारिक संबंध अर्थात रिश्ते नाते सब झूठे और दिखावे वाले हैं, ईश्वर का नाम ही जो है एकमात्र सत्य और शाश्वत है। नानृतम जयत अनृतम में सोता है झूठ रमेश नहीं असत्य की नहीं वरन सर्वदा सत्य की जो है सत्यम जयत सत्यम सत्य की जय होती है। अतः जो है माँ भैंस माँ मीन्स मत भय मीन भयभीत अर्थात डरो मत अर्थात डर का त्याग करो और जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति जगाने वाले युग पुरुष हे बापू तुम्हें प्रणाम है। तो आज की वीडियो में बापू के प्रति नामक पाठ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगले पाठ को लेकर प्रस्तुत होंगे।